पलामू में लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज परिसर में होनी है। इसको लेकर पलामू जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सभी मतगणना कर्मी को सुबह 6 बजे मतगणना स्थल में पहुंचने का निर्देश दिया गया है। जिला के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बात की हमारे संवाददाता संजीत ने। जिनको पलामू संसदीय का चुनाव का मतगणना होने वाले हैं, हम बता दें कि अभी इस वक्त मौजूद हूँ पलामू जिले के मेदिनीनगर के जेले कॉलेज कैंपस में। यहाँ पे मतगणना के लेकर अलग अलग काउंटिंग रूम बनाया गया। काउंटिंग हॉल जैसे कि आपको बता दें कि पहले निचला तल्ला में हुसैनाबाद के बाद भानापुर, इस्लामपुर, छतरपुर, गढ़वा और ली गई है। पलामू DDC रवि आनंद है और उनसे जानेंगे कि काउंटिंग को लेकर कितनी तैयारी की गई। सर, न्यूज 11 भारत में पहले स्वागत है। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डेरा पलामू लोकसभा क्षेत्र के लिए जो काउंटिंग होनी है, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पे कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों के जो अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पे टेबल निर्धारित कर दिए गए हैं। टेबल पे कौन लोग बैठेंगे उनका भी निर्धारित कर दिया गया है और जितने भी आर ओ के साथ जो कंप्यूटर ऑपरेटर टैग हो रहे थे उन सब टैग कर दिया गया है। काउंटिंग एजेंट्स है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो लोग भी आ सकते हैं, उनके लिए भी रास्ता बनाया गया, उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था की गई है। और गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था रहेगी, कूलर की व्यवस्था रहेगी और मेडिकल टीम भी रहेगी। अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो मेडिकल टीम तुरंत आएगी, उनका उपचार करेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है हम लोग काउंटिंग की प्रक्रिया को पूरा संपादित करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए जो है हम लोगों ने पुलिस प्रशासन दोनों जो है डिप्यूट कर रखा है, बहुत जगह मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए, साथ में उनके साथ पुलिस बल है। तो किसी प्रकार की कोई भी घटना जो है होने की संभावना होगी तो उसको हम लोग होने से पहले ही रोक लेंगे। कौन जो शुक्र दिया गया है उसके अंतर्गत सारी तैयारी कर ली गई। आज हम ड्राई रन कर रहे हैं जिसमें कौन सा सेगमेंट, कौन से जो काउंटिंग मेरे जो सुपरवाइजर रहेंगे या बैकअप जो रहेंगे कौन सा दिया गया, उसकी भी रेंडमाइजेशन हो चुकी है। और अभी ड्राई रन के माध्यम से हम लोग सब कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि क्या ड्यूटी रहेगी, कहाँ पे क्या कार्य करना है। EDBPS और जो पोस्टल बैलेट है उसकी भी जिम्मेदारी जो उनको दी गई है, उनको भी ट्रेनिंग सबकी दी जा चुकी है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अभी तक जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, सारा कुछ ऑन टाइम है, ऑन शेड्यूल है। और हमको लगता है कल हम लोग सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से सभी स्टाफ यहाँ पे आकर अपने अपने सीट पे बैठना स्टार्ट कर देंगे और 8 बजे से काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे संबंधित जितने भी पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है, सारे ERO सेल्स और उनके साथ जो भी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मी है सभी लोगों को बुलाया गया है और कल प्रातः पोस्टल बैलेट और ETBPS और उसके साथ साथ EVM की काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। हमारे साथ पलामू DDC और नगर आयुक्त है, दोनों का कहना है कि तैयारी पूरी कर ली गई है, गर्मी को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है और सुरक्षा को लेकर भी पूरी तैयारी करी गई। पलामू से न्यूज 11 भारत के लिए संजीत यादव। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।